जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार ने हाल ही में एक दिशा निर्देश जारी कर गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोगों को राज्य में कहीं भी रहने के लिए निर्देश जारी किए थे। इस दिशा निर्देश के बाद पुलिस भी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकती थी, लेकिन इस फैसले को जम्मू संभाग के लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया था और वरिष्ठ वकील अंकुर शर्मा ने भी प्रेस वार्ता कर इस दिशा निर्देश का कड़ा विरोध जताया था और जम्मू संभाग के लोगों के साथ अन्याय करने का मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर आरोप भी लगाया था। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता और रक्षा विशेषज्ञ अनिल गुप्ता ने इस दिशा निर्देश पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। डिफेंस एनालिस्ट तथा सेना के पूर्व ब्रिगेडियर बीजेपी के प्रवक्ता अनिल गुप्ता जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो मुख्यमंत्री द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे गुज्जर बकरवाल जो कि कहीं भी अपना जो रहन सहन कर सकते हैं उनको पूछा ना जाए, जी सर इससे क्या आप बताएं? देखिए ऐसा है कि जो मीडिया में आया था, बाद में जब भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन मिनिस्टर डेलीगेशन मुख्यमंत्री को मिला था और उन्होंने इस बात को माना था कि उन्होंने ऐसे हुक्म जो नहीं दिए हैं ना ही ऐसे पॉइंट जो हैं वो उस मीटिंग में डिस्कस किए गए थे, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से उनको मीडिया में लाया गया वो उसके पीछे मुझे कुछ एक शरारत नज़र आती है और वो शरारती तत्व जो हैं वो यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के हुक्म ना तो मुख्यमंत्री दे सकते हैं ना ही देना चाहिए, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं पुलिस है एडमिनिस्ट्रेशन है अगर आप उनको ऐसे हुक्म देंगे तो उससे ना सिर्फ अमन शांति और कानून व्यवस्था में फ़र्क पड़ेगा बल्कि इससे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पहले से ही जम्मू भुगत रहा है, यहाँ पर कितने इलीगल इमिग्रेंट्स आके सेटल हो गए हैं जो कि जम्मू के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं, तो अगर इस प्रकार के हुक्म दिए जाते हैं तो ये गलत है और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि मुख्यमंत्री ने माना है कि उन्होंने ऐसे हुक्म नहीं दिए हैं, इन हुक्म को विड्रॉ किया जाएगा। ये नौशहरा में भी जो पाकिस्तान के जो नारे लगाए गए, क्या आपको नहीं लगता कि युवाओं को बीजेपी को अपने हाथ में रखना चाहिए और ऐसे इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए? देखिए बीजेपी ने नहीं कहा है इनको नारे लगाने के लिए और ना ही हम इसके हक में हैं, हम तो जिन्होंने नारे लगाए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी हो भारत के खिलाफ नारे लगा के क्या उनको सेपरेट डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, उनको जो सोचना चाहिए। ये तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने उनको भड़काने की कोशिश की है या कुछ लोगों ने अपने आप को मीडिया में लाइमलाइट में लाने के लिए ऐसी बातें की हैं, लेकिन दोनों बातें गलत हैं। आप देश के खिलाफ नारे लगा के देश के खिलाफ नारेबाजी लगाकर अपना जो मुद्दा है उसको हासिल कभी नहीं कर सकते हैं। इन्होंने साफ कहा है कि जितने भी ये मुद्दे हैं ये जो मुख्यमंत्री द्वारा ये जो किया गया था ये अकेले जो ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कैमरामैन ऋषि के साथ रजिंदर सिंह, वक्त इंडिया।